हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड सेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जिसमें बताया जा रहा है कि भर्ती पर एक और फिर से संकट आ चुका है और ये काउंसलिंग से पहले एक और घोटाला देखने को मिल रहा है, नया घोटाला। इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था जो कि हुआ था कट ऑफ को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि कट ऑफ में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन वह तो शांत हुआ था। लेकिन उसके बाद अब जा रहा है काउंसलिंग से पहले एक और नया घोटाला देखने को मिल गया है। तो क्या ये घोटाला, हम पूरी जानकारी इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, इसके कुछ रीज़न भी बताए हैं उपेंद्र जी ने कि क्यों भर्ती बार बार से अटक रही है, भर्ती के रोड़े कौन बन रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर पास में आ रहे बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, एक दैनिक भास्कर पेपर में प्रकाशित हुई है खबर, जिसमें यह बताई गई है पूरी की पूरी जानकारी। तो हम पढ़ लेते हैं उस जानकारी को। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वो खबर है। तो यहाँ पे जैसा कि देखिए कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारियों पर सवाल। तो यहाँ पे क्या है सवाल, देखिए आप, कट ऑफ मार्क्स जारी करने के बाद जब काउंसलिंग शुरू होनी थी तब फंस गया नया पेज फंस गया, यानी कि नई गड़बड़ी सामने आई। और इससे पहले कट ऑफ पर भी हुई थी दोस्तों, कट ऑफ को लेकर भी गड़बड़ी बताई जा रही थी, लेकिन जब वो मामला शांत हुआ तो अब नया मामला देखने को मिल गया है। देखिए क्या ये नया मामला, कि शिक्षकों के 28,000 पदों पर भर्ती तो शुरू की गई, अब पोस्टिंग के लिए 8,000 पद है वो खाली ही नहीं है, यानी कि जो राजस्थान में पद हैं शिक्षकों के वह मात्र 20,000 ही खाली हैं, और यहाँ पे 8,000 एक्स्ट्रा डाले गए हैं पद, 28,000, यानी कि ये बेरोजगारों का साथ धोखा है। अब इन बेरोजगारों को कहाँ ले जाया जाएगा दोस्तों, क्या राजस्थान से बाहर या इन्हें फिट किया जाएगा, क्या तो ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी फिर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ 8,000 पद खाली नहीं है और 20,000 पद खाली हों, उन्हें तो फिट कर दिया जाएगा, यानी कि देखो तो पूरी भर्ती निकाली गई 28,000 पदों पर और मात्र 20,000 पद ही खाली हैं, जबकि 8,000 पद खाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम पूरी खबर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, चुनाई साल में वाहवाही लूटने के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 28,000 पदों पर तृतीय श्रेणी भर्ती लेवल 2 की प्रक्रिया तो शुरू कर दी, लेकिन इसमें सामने आई एक लापरवाही अभ्यर्थियों पर भारी पड़ सकती है। यहाँ पे खुला खुला दिख रहा है दोस्तों, आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि ये लापरवाही है बहुत ही बड़ी, जो अभ्यर्थियों पर भारी पड़ सकती है, कि इसमें कम है, यानी कि 28,000 पद खाली हैं और 28,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई हैं, ये मात्र इसी वजह से निकाली गई है कि हमें वोट अधिक से अधिक मिले, ये वोटों के कारण इतनी बड़ी भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए पूरी खबर देखने को मिल रही है। पंचायती राज विभाग के पास चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए पूरे पद खाली नहीं है। सबसे अधिक परेशानी अंग्रेजी विषय को लेकर सामने आ रही है, यानी कि अंग्रेजी विषय में बहुत ज़्यादा पद आपको पता ही है देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इतने जो पोस्ट है वो खाली नहीं है, पद खाली नहीं है दोस्तों, रिक्त पद ही नहीं इतने। तो सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए करीब 8,000 पदों की और ज़रूरत है। फिलहाल विभाग के बाद 20,000 पद ही उपलब्ध बताए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग में पद खाली करने के लिए सेटअप परिवर्तन करके शिक्षकों को शिक्षा विभाग में भेजने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर इस प्रक्रिया में देरी हुई तो चयनितों के पदस्थापन में भी देरी हो सकती है। नई भर्ती के शिक्षकों को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत नियुक्ति दी जानी चाहिए। विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को वरिष्ठता के हिसाब से 60 प्रक्रिया अपनाकर शिक्षक को शिक्षा विभाग में भेजा जाएगा, यानी कि रिक्त पदों की प्रक्रिया जो 60, यानी कि रिक्त पदों की प्रक्रिया है। और ऐसा करने से पंचायती राज विभाग में पद खाली हो सकेंगे और नए चयनित शिक्षकों के पदस्थापन का रास्ता खुल जाएगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2017 का परिणाम जैसे 31 जुलाई को घोषित किया गया था, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने उसी दिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के 28,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और भर्ती में रीट आरटीटी के प्रांतों का 70% और स्नातक के 30% वेटेज जोड़ते हुए मेरिट बनाई थी। और अंतिम तिथि के महज 8 दिन बाद ही विभाग ने कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए थे, लेकिन अब पोस्टिंग में परेशानी देखने को मिल रही है। तो क्या यह 60 प्रक्रिया, तो मैंने आपको बताया कि इसका 60 प्रक्रिया यानी कि रिक्त पदों की प्रक्रिया आप मान सकते हो, लेकिन पढ़ लेते हैं हम क्या है। देखो, पंचायती राज विभाग विभाग से शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लाने की प्रक्रिया को 60 कहा जाता है।
और पहला नियम था कि पंचायती राज में 5 साल या अधिक सर्विस करने के बाद शिक्षा विभाग में आने के योग्य हो जाता है। अभी इस अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में आने के बाद अब विभाग तय करता है कि शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में लगा जाए लिया जाए या माध्यमिक शिक्षा में। और यहाँ पे दोस्तों देखिए खबर ये भी पढ़ लेते हैं हम कि जिला परिषदों के जरिए इस प्रकार होगी काउंसलिंग। तो किस प्रकार काउंसलिंग होगी? पहले तो दोस्तों पहले काउंसलिंग होगी अंग्रेजी विषय की 16 व 17 सितंबर को, फिर होगी दोस्तों गणित की 18 व 19 सितंबर को, फिर सामाजिक की 20 सितंबर को, हिंदी की 22 सितंबर को, संस्कृत उर्दू व सिंधी की 24 को, विशेष शिक्षा की 25 सितंबर को और पद स्थापन का आदेश जारी कर दिया जाएगा 28 सितंबर को। तो यहाँ पर इस प्रकार ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कैलेंडर बताया गया है दोस्तों। तो जहाँ तक दोस्तों पद अनुसार किए गए हैं यानी कि देखो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा, उससे कम गणित में, गणित से कम सामाजिक वगैरह, इस प्रकार यहाँ पे प्रक्रिया चलेगी दोस्तों, पद अनुसार ही प्रक्रिया चलनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए कि नॉन टीएसपी एरिया विशेष विषयवार इतने पदों पर होनी है भर्तियाँ। तो कितनी है दोस्तों? तो नॉन टीएसपी सामान्य शिक्षक में होनी है 7178 अंग्रेजी विषय में, जबकि नॉन टीएसपी विशेष शिक्षक में होनी है 268 पदों पर। और हिंदी में होनी है दोस्तों नॉन टी सामान्य शिक्षक में 4762 में और विशेष शिक्षक में होनी है 138 में दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों विज्ञान गणित में जो सामान्य शिक्षक है नॉन टीएसपी के, उनमें होनी दोस्तों 5728 पर, जबकि 172 पर है विशेष शिक्षक में। और सामान्य शिक्षक में दोस्तों यहाँ पे देखिए सामाजिक अध्ययन जो उसमें सामान्य शिक्षक के लिए 2800 पद हैं, जबकि विशेष शिक्षक के लिए मात्र 100 पद हैं। संस्कृत में 623 है और सामान्य विशेष शिक्षक में एक भी नहीं है, और सिंधी में 55 है जबकि विशेष शिक्षक में एक भी नहीं देखने को मिल रहा है। सामान्य शिक्षक में उर्दू के 125 है और विशेष शिक्षक में एक भी नहीं है दोस्तों, यानी कि 0 है। और यहाँ पे देखिए टीएसपी एरिया विषयवार इतने पदों पर होनी भर्तियाँ, वो मैंने नॉन टीएसपी कराई थी, अब टीएसपी की देख लेते हैं हम दोस्तों। टीएसपी में अंग्रेजी विषय के 1492 जो है सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के 18 पद हैं। और इसी प्रकार हिंदी में दोस्तों 586 हैं सामान्य शिक्षक के और विशेष के विशेष टीचर के दोस्तों 28, और जबकि सामान्य शिक्षक के यहाँ पे ज्ञान एंड गणित यानी मैथ एंड साइंस में 1361, और जबकि स्पेशल टीचर में दोस्तों यहाँ पे देखिए 18। और सामाजिक अध्ययन में सामान्य शिक्षक है जिनके लिए 331 है, जबकि विशेष स्पेशल टीचर के लिए 18 है। जबकि संस्कृत में दोस्तों 184 पद है टीएसपी वालों के लिए सामान्य शिक्षक में 184, और विशेष शिक्षक के लिए एक भी पद नहीं है। और सिंधी में तो यही नहीं दोस्तों, सामान्य में ना कोई विशेष में, जबकि उर्दू में 25 पद रखे गए हैं टीएसपी वालों के लिए सामान्य में, जबकि नॉन टीएसपी वालों के विशेष शिक्षक में एक भी नहीं है। तो मैं आपको कहा था शुरुआत में भी कि उपेन जी ने एक बयान दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या है वो रीज़न। तो यहाँ पे देखिए खुला खुला बताया कि बिना तैयारी काउंसलिंग की तिथि घोषित करना अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा धोखा यानी घोटाला आप कह सकते हो, और अधिकारी प्रक्रिया को लटकाना चाह रहे हैं। यानी कि इन्होंने कहा है कि अधिकारी ही हैं वो जो जो ये परीक्षा उनको लटकाना चाहते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि हम ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे जिससे वर्दी कोर्ट में जाए, हम सावधानी से करेंगे, लेकिन ये सावधानी से नहीं कर रहे हैं दोस्तों। देख ही सकते हो यहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले ये अपने वोट के लिए करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए आप, और ताकि आचार संहिता लग जाए और नियुक्ति टल जाए। लेकिन दोस्तों उपेन जी कहते हैं नियुक्ति आपको मिलेगी आचार संहिता लगने से पहले, यहाँ पे इन्होंने ऐसा ही कहा है नहीं है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है, ये इन्होंने कहा है कि अधिकारी प्रक्रिया को लटकाना चाहते हैं और आचार संहिता से लगने से पहले नियुक्ति को टालना चाहते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए श्याम सिंह राजपुरोहित जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हैं, उन्होंने भी कहा है कि पद खाली हैं तब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यानी कि ये कह रहे हैं कि पद खाली हैं, जबकि यहाँ पे देखिए गणना की गई है तो 20,000 पद ही देखने को मिले हैं, तो फिर पद कहाँ से इतने खाली हैं? लेकिन श्याम सिंह जी राजपुरोहित कह रहे हैं कि पद खाली हैं, और हाँ अंग्रेजी विषय को लेकर कुछ परेशानी है। तो इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी विषय को परेशानी है, लेकिन जल्द ही 60 का पद स्थापन कर रास्ता निकाल लेंगे और पूरा काम समय पर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि अभ्यर्थियों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम इसका रास्ता निकाल लेंगे, जो भी है वो सेटलमेंट कर लेंगे, और जिन्हें अब की बार चयन हुआ 28,000 अभ्यर्थियों को, उनको हम ज़रूर शिक्षक बनाएंगे, उनके कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि 20,000 शिक्षकों को ही लिया जाए। हम 28,000 शिक्षकों की भर्ती निकालिए तो हम 28,000 शिक्षकों को ही अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी बात है कि 28,000 शिक्षकों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाए। और जहाँ तक बात की जाए दोस्तों कि
उपेन्द्र यादव ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि अधिकारियों की लापरवाही है, इसी कारण ये हो रहा है सारा का सारा गड़बड़ा। तो दोस्तों आप क्या चाहते हो कि उपेन्द्र यादव का राइट है या रॉन्ग, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि उपेन्द्र यादव ने जो बयान दिया है वो सही है या गलत, तो कमेंट करके बता दीजिए आपकी राय क्या है। और इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था कि भर्ती पर एक फिर से संकट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो श्याम सिंह जी राजपुरोहित कह रहे हैं कि वहाँ यहाँ पर कोई संकट वगैरह नहीं है, बिल्कुल रास्ता साफ है और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो, 30 सितंबर को आप स्कूल में हो। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और जहाँ तक बात की जाए वेटिंग की, दोस्तों वेटिंग जल्द ही जारी की जाएगी और जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उन्हों को भी स्कूल प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद एक बार फिर से, जय हिंद जय भारत।